गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप? अच्छे हो? तो चलो करते हैं दिन की शुरुआत। तो दिन की शुरुआत में सुबह कॉफ़ी पी चुकी हूँ, फ्रेश हो चुकी हूँ, शावर ले चुकी हूँ और मैगी बना रही है आज खाना। मैगी कहती आज मैं बनाऊँगी खाना, तो वो मैगी खाना बना रही है। तो देखते हैं कैसा बनाती है। आज पालक पनीर बना रही है। जब भी कोई सब्ज़ी वगैरह बनाती है अच्छी बनाती है, टेस्टी यम्मी होती है। तो मैं उसके रूम में बैठी हुई हूँ तो पालक पनीर बनाई के साथ में पता नहीं चपाती बनाती है या कोई राइस वगैरह बनाती है, ये नहीं पता। थाली सज के आएगी, हम तो खाएंगे बस। इसको ये होता है कि जब ये खुद खाना बनाए ना तो किचन में नहीं बढ़ने देती। मम्मी मैं खुद थाली लेके आऊँगी आपके लिए बना के, मेरे को क्या, मैं इसके रूम में बैठ के, मैं चल इसके रूम में बैठ के थोड़ा सा आराम करते हैं। और चीकू मेरे पास में बैठा हुआ है तो चलो देखते हैं अपन क्या कैसा बना के लेके आती है, फिर खाते हैं। लिप्स मेरा कैसा रहा? अच्छा है, शेप ठीक आई है, बताना मेरे कमेंट सेक्शन में। अभी तक मेरे पास टाइम है, 1 मंथ के बीच बीच में मैं उनके पास जाके कह सकती हूँ कि यहाँ से ठीक कर दो, यहाँ से फिलिंग कर दो, यहाँ से फिलिंग कर दो, नहीं तो अगर 1 मंथ के बाद नहीं, फिर ये 1 ईयर तक ऐसे ही रहेंगे, 1 ईयर तक ऐसे रहेंगे, फिर बाद में जो पहले वाले थे नेचुरली वो वापस आ जाएंगे। इसलिए अभी 1 ईयर ही बोला ना मैंने, हाँ 1 ईयर तक ऐसे ही रहेंगे, 1 ईयर के बाद होंगे। हाँ मैंने अपने मन में सोचने लगे कि मैंने मंथ तो नहीं बोल दिया। मंथ में तो ये है कि मैं मंथ के पिए अपने 2 वीक के 2-3 वीक के अंदर अंदर जाकर उन्हें से अगर सही करवाना है कहीं से तो वो मैं करवा सकती हूँ। और बस टोटली मेरा 1000 लग गया, 1000 लगे। मेरे को कहती मैगी, कहती मम्मी अगर आपने करवाए, मैगी के पापा ही बोलते अगर करवाए थोड़े से बड़े बड़े करवा, मगर मैं बड़े बड़े नहीं, बड़े बड़े फिर ऐसे हो जाए ना। तो मेरे को दोनों ये कहते कि अगर आपने करवाए हैं, पैसे भी इतने लगाए अगर करवाए हैं तो कुछ बड़े बड़े हो, पता तो चले ना कि कुछ करवाया है। मेरे को ये है कि अगर मैंने करवा लिया फिर बड़े बड़े लिप्स हैं ना, मैं फिर यूट्यूब पर भी नहीं आऊंगी क्योंकि इतने बड़े बड़े लिप्स लेके क्या करूंगी। इसलिए इससे बड़े नहीं मैंने करवाने, करवा सकती हूँ अगर करवाने नहीं है। मेरे को मैगी भी कह रही मम्मी वो ही लग रहे हैं कि जैसे पहले थे, इसके पापा भी बोले वो ही तो लग रहे हैं इतने। ये पता नहीं तब आप ना घास काटने वाले आए हैं, ले चला गया। चलिए फिर आके चलते हैं स्वीटी के साथ, आई फ्रेश होकर बैठी हुई हूँ शावर वगैरह लेके, चलिए स्वीटी के साथ। लो जी लेके आ रही है मैगी मेरे लिए खाना। देखिए क्या लेके आती है आज, इसने बनाया है, दिखाती हूँ क्या बनाया है। पालक पनीर। वाओ, आज मैगी ने बनाया है खाना। इसने बनाया, बहुत अच्छी सब्जियां बनाती है, अच्छी अच्छी रेसिपियां बनाती है ये। इसने बनाया है पालक पनीर, साथ में राइस और साथ में सैलड दिया है खाने के लिए, और मेरी फेवरेट मिर्ची। चलो फिर मिलते हैं खाने के बाद, अब चीकू भी खाएगा। मैगी लिए तो बनाई थी ना, वो क्या कहते हैं पालक पनीर, तो पालक पनीर तो हो गई है, वो खा भी लिया है। अब रात को तो चाहिए ना पालक पनीर, थोड़ा सा बचा है, बहुत टेस्टी बनती है मेरा ना, तो रात को मैंने बना लिया पर गोभी की सब्जी। यहाँ पे ऐसे पैकेट में चढ़ी होती है पॉलिथीन, अच्छी तरह बन की होती है, ऐसे लग रही है जैसे बिल्कुल फ्रेश होती है। मेरे को भी ग्रोसरी लाइक हो गए हैं, 3-4 दिन तो हो गए। चार दिन हो गए ग्रोसरी लाइक को, अभी निकालिए फ्रेश डब्बी।
सोच नहीं होगी कैसे बनाऊं। कभी कई बार मैं गोभी छोटे छोटे पीस करके बनाती हूँ, कई बार बड़ी बड़े बनाती हूँ, कि मैं कैसे बनाती हूँ। अभी दिमाग में चल रहा है कि बड़े पीस वाली गोभी बनाऊं कि छोटे पीस वाली बनाऊं। पहले इसको थोड़ा सा अलग कर लूं, फिर सोचती हूँ। मैगी बनाती है, मैगी जब आलू गोभी की सब्जी बनाती है इतनी यम्मी बनाती है ना, तो ये इतना बड़ा बड़ा फूल रखती है गोभी का, और गोभी बहुत टेस्टी होती है इसकी। मैं सोच रही हूँ कैसे बनाऊँ गोभी। टेस्ट होता है बड़े फूल वाली गोभी अगर बनानी है तो इसका अलग टेस्ट होगा, छोटे फूल वाली बनानी है तो इसका अलग टेस्ट होगा। बड़ा फूल ही रखू, मन कर रहा है बड़ा बड़ा फूल रखू। सोया पड़ा हुआ है, मैगी लगी हुई अपने फोन पे, वो आराम से सोया हुआ शांति शांति से मिली हुई। जब वो खेलता है तभी घर में थोड़ी सी रौनक होती है, नहीं तो ऐसे शांति शांति से बनी रहती है। खाना खा लो, थोड़ा सा किचन का काम कर लो, या बाहर वॉक पे चले जाओ, बस यही कुछ होता है। करते हम करते अगर घर में कोई आ जाए, कई लाइक करते हैं वीडियो में आना, कई नहीं करते तो फिर मुश्किल हो जाता है। मैं बड़े फूल करके गोभी बनाऊंगा। ये वाले होते हैं ना, ये देखो, ये गोभी की सब्जी में ये डालते नहीं है, ये जो इसके होते हैं ना, ये वाले जैसे हल्के हल्के से ऐसे पत्ते होते हैं ना, ये डाल लेते हैं। ठीक है, ये चीज नहीं डालते, इससे ना कानों का सुनना कम हो जाता है, बहरे होने का डर रहता है। अब ये मेरे को इतना पता नहीं है, मतलब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये गोभी के डंडल डाल देते हैं, गोभी के सारा पत्ते वगैरह डाल देते हैं, मगर ये वाले भी जो मोटे मोटे होते हैं ना, वो नहीं डालते। इसको डंडल भी नहीं कहते, ऐसे कहते कानों की जो सुनने की जो शक्ति होती है वो कम होती है। डंडल तो डाल लेते हैं, हमारे आंटी करते थे इंडिया में, वो स्पेशल ना डंडल की सब्जी बनाते थे। खाई गई उनके हाथ की, बड़ी टेस्टी बनाते हैं। तो हमारे तो बचपन में ये होता था कि डंडल फेंकते नहीं थे,
डंडल डाल दे, मैं भी डाल लेती हूँ डंडल, मतलब यहाँ डंडल कम ही निकलते हैं, इतने ज़्यादा डंडल होते ही नहीं गोभी में, इंडिया में गोभी में डंडल होते थे, स्वाद लगते हैं डंडल। बड़े बड़े फूल करके ही बनाने को बस मन कर लिया। बस कर दी, बस डंडल है ये भी डाल। फेवरेट होती है मेरी गोभी, गोभी की सब्जी। ये कौन आया? ये कौन आया है? सामने करो वीडियो भी, हमारी भी बनाओ। ये मेरा बेटा है, ये मैं आपको इसके साथ मिलाती हूँ, आपने इसको कभी नहीं देखा, चलो मैं आपको आप मिलाती हूँ इसके साथ। ये है मेरा बेटा, हेलो बोलो, हेलो हाय। ये बड़ा आलसी मार है, छोया हुआ था, मैं इसको उठा के लेके आई हूँ। मैंने कहा चलो मैं आपको अपने बेटे के साथ मिलाती हूँ, आपने तो कभी नहीं इसके साथ मिले ना? नहीं मिले। इसका नाम क्या है बताओ, अपना नाम? ये चीकू है। इसका नाम चीकू है, खाने वाला चीकू नहीं, कहीं इसको खा मत जाना। ये गौर से कितना देख रहा है, ये देखो कैसे देखता है। चल ऐसे कर, तू अपने ना दांत चेक कर, ची करके दांत चेक कर, कितने चोने चोने दांत है। मेरा बेटा है, चलो ठीक है। अरे क्यों ठीक है, मैं अपने बेटे के साथ मिला रही हूँ। फ्रेंड्स, तो आज का व्लॉग आपको हमारा कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आज का व्लॉग मैं अब यहीं पर एंड करूँगी। इस व्लॉग को लाइक कर दिया करो, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दिया करो, और सब्सक्राइब कर दो। मैं चेक करती होती हूँ कि ऑडियंस में से कितने लोगों ने आपका जो व्लॉग देखा है उन्होंने सब्सक्राइब किया है कि नहीं, तो ज़्यादातर लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, हालांकि अभी इतने व्यूज़ नहीं भी आए होते, बट स्टिल उतने में से भी जिन्होंने देखा होता है उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो करना है, कर दिया करो, ठीक है। तो अब आपको मिलते हैं हम अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।